एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑफ 2005 लाउड स्पीकर आर नॉट अलाउड फॉर रिलीजियस एंड अदर प्रोग्राम्स बिटवीन 10 PM टू 6 AM। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख, तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑफ 2005, जिसमें क्लियर कट बताया गया है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कतई नहीं हो सकता है कोई भी रिलीजियस या कोई अदर फंक्शन के लिए बिटवीन रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक, और अकॉर्डिंगली लास्ट में 2022 से मुंबई के अंदर भी पूरे लाउड स्पीकर को मस्जिद के बैन कर दिया गया है रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, और सारे मस्जिदों को आदेश दिया गया है कि आप अपना जो पंच वक्त नमाज का टाइम है वो अपने लेटरहेड पे, मस्जिद के लेटरहेड पे लिख के विद जो मस्जिद के अहदेदार है, जो कंसर्न ऑफिस बेरर है, उनके कम से कम 5 आदमी का नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन के साथ लोकल पुलिस स्टेशन में जमा करो, और ये हर महीने जमा करना है। तो अकॉर्डिंगली मुंबई के जो मसाजिद है उनके जो अहदेदार है वो बाकायदगी से हर महीने अपने लेटरहेड में जो नमाज का टाइमिंग है, और जिसमें मैक्सिमम कुछ 3 मिनट या 5 मिनट का टाइम है कि उससे ज्यादा अजान नहीं दे सकते, और वो पंच वक्त अपना वो टाइमिंग के हिसाब से लोकल पुलिस स्टेशन में जमा कर रहे हैं। लेकिन हम बीइंग द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मोहम्मद नईम शेख, नेशनल प्रेसिडेंट, हम रिक्वेस्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, हम रिक्वेस्ट करेंगे स्टेट के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से, हम रिक्वेस्ट करेंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से, साथ ही साथ हम रिक्वेस्ट करेंगे सीपी ऑफ मुंबई, कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई विवेक फांसालकर से कि ठीक है, ये हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है नमाज के लिए, अजान के लिए जो आदेश उन्होंने 2005 में पास किया और जो बहुत ही अच्छे तरीके से में 2022 से मुंबई में लागू हो चुका है, तो यहां तक तो बहुत ठीक है। लेकिन जैसा मुझे आज पता चला कि हर मस्जिद को 660 रुपया ये पुलिस परमिशन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तहत जो उनका एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस जो रीजन का है उनके अकाउंट में डालना है, तो ये जो 660 रुपया महाना हो रहे हैं जो साल का अनकरीब 7000 क्रॉस हो जाएंगे एक मस्जिद से, तो ये शायद ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारी मस्जिद है मुंबई में ही कि जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ये जो 660 रुपया महाना मस्जिद से लिया जा रहा है ये पुलिस परमिशन के लिए, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, जैसा हमने कहे चीफ जस्टिस से हम रिक्वेस्ट करेंगे, सीएम से रिक्वेस्ट करेंगे, डिप्टी सीएम से रिक्वेस्ट करेंगे, कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस तरफ तवज्जो दें, और ये जो हर महीना ये परमिशन के लिए एक लेटर देना है तो सबसे पहले इसे आप सालाना कर दो, क्योंकि महीना आंख झपकते ही चला जाता है, और ये जो 7000 से ज्यादा की जो फीस हो रही है, एनुअल फीस हो रही है हर मस्जिद पे, तो या तो इसे वेव करो या तो इसे मिनिमाइज करो, क्योंकि हर मस्जिद अफोर्डेबल की पोजिशन में नहीं है, और वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बहुत सारी बेनिफिट दिए मस्जिद को, तो जैसा पावर सप्लाई में है या वाटर में है जो भी है, तो इस पे भी एक निगाह करम हो जाएंगे और एक मस्जिद को जो ये मदद हो जाएगी, तो ये बहुत बेहतर होगा। खुदा हाफिज़।